this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinsel Town. So sit back and enjoy everything from the kicks to slips and all the pot boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. News now mein dikhayenge Star Guild Awards ke stage par Salman aur Gundo ki masti aur Kareena ki audience ko fevicol se chipkane wali performance. Focus mein aaye Sonakshi aur Shahid Kapoor bhi. Coffee with Karan mein Shahid par Karan ke teekhe sawalon ka hua waar aur Shahid ne kiye kuch bindaas confessions. कल की कोचलिन ने एक बार फिर अनुराग से दूरियां कम होने के सवाल पर क्यों नहीं दिया कोई रिएक्शन, दिखाएंगे एक स्पेशल स्टोरी में. एक बुक लॉन्च इवेंट पर नजर आया सुष्मिता सेन का फिटर एंड हैपियर साइड और रणदीप हुडा आए एट द अनवीलिंग ऑफ अ डर्बी ट्रॉफी. सारी स्टारी परफॉर्मेंसेज और उनके बीच सलमान खान का विटी साइड. ओह वेलकम टू शरबत विद सलमान. राइट, आज के शो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं स्टार गिल्ड अवार्ड्स की एक एंटरटेनिंग झलक से. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. बकवास सीखने वाला डायलॉग बोल दो. Will you do it with me? I will do it with you. Say. क्या? What do you have to say? I have to do Shahrukh's line. Yeah. चलो. मेरे डिक्शनरी में impossible नाम का शब्द ही नहीं है. अच्छा? कहाँ से खरीदिया सी बकवास डिक्शनरी? बकवास डिक्शनरी. बकवास. Oh, welcome to Sharbat with Salman. Right. Cheers. No, it's not so bad. पहला सवाल जो मुझसे करोड़ों लोगों ने पूछा है जी, लेकिन मैंने आज तक वो सवाल किसी से भी नहीं पूछा जी. करण, आपने अभी तक के शादी क्यों नहीं की? I am also a virgin. अभी फटाफट जवाब दीजिए. जी जी बिल्कुल. आपको लड़की बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय. वजह? ऐश्वर्या राय बच्चन. ऐश्वर्या राय बच्चन. वजह पूछ रहे हैं आप? जी. आप पूछ रहे हैं वजह? भले ही सलमान की रीसेंट रिलीज जय होने बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीक में उनकी उम्मीद के उलट सिर्फ 85 करोड़ की कमाई की, लेकिन इस बात को लेकर खुश है सलमान कि जय हो ईयर 2014 की पहली सुपरहिट फिल्म बन चुकी है. जय हो के लिए क्या कहोगे? लोगों को कितना अप्रिशिएट. जय हो. 2014 की पहली सुपरहिट फिल्म आपकी है, 10 करोड़ का बिजनेस किए, कितने एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड. अच्छा लगता है जब कोई फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है. हालांकि अभी तक वो कंफ्यूज थे कि उनके फिल्म के फर्स्ट वीकेंड के कलेक्शन इतने कम कैसे आए. आई डोंट नो, इन फैक्ट इवन दिस टाइम तो वी आल्सो कंफ्यूज के जो रिएक्शन है थिएटर के अंदर और द कलेक्शन है, दे नॉट मैचिंग अप.
So it's a very strange combination. और उन्होंने उम्मीद भी जताई थी कि लोग उनकी फिल्म को वीकडेज में जमकर सपोर्ट करेंगे और बॉक्स ऑफिस पर जय हो फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। मैं यूं करते आ रहा था, शायद लोगों को ऐसा लगे कि तीसरे दिन पे पिक्चर देखना। मुझे ये ऐसा क्यों फीलिंग लग रहा है कि यार बहुत भीड़ भाड़ होगी, टिकट नहीं मिलेंगे, ब्लैक में टिकट लेने पड़ेंगे, तो संडे को जाएंगे या मंडे को जाएंगे, तो ये सबकी सोच हो गई होगी और कोई आया नहीं। लेकिन अब फाइनली जय हो को रिलीज हुए एक वीक हो चुका है और फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 85 करोड़ की कमाई की, तो सलमान भी जनता का वर्डिक्ट एक्सेप्ट कर ये सोच रहे होंगे कि ये फिल्म अब किसी तरह 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर जाए, वरना तो उनका ये रिकॉर्ड भी खराब हो जाएगा। तुमको पता नहीं कि मेरे साथ क्या गुजर रही है। वैसे अब सलमान ने जय हो से फोकस हटाकर अपनी नेक्स्ट फ्लिक किक की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका लुक वो इस इवेंट में स्पॉट कर रहे थे। ये हाँ, ये साजिद की फिल्म किक के लिए लुक है। आपको बता दे कि सलमान यहाँ आए थे जय हो के टाइटल ट्रैक सिंगर अरमान मलिक के डेब्यू एल्बम लॉन्च पर, जहाँ उनके साथ मौजूद थे सलीम मर्चेंट, अलका याग्निक और पूनम ढिल्लन भी। और यहाँ सलमान ने सबकी जबरदस्त टांग खिंचाई की। My request is to the mother that she should leave him alone. डांस क्लासेस में माँ को जाना है, सिंगिंग क्लासेस में माँ को जाना है, हर जगह माँ को जाना है, ऐसे अभी छोड़ दो हाथ, बच्चा निकल गया है, आगे चलने दो। I remember, now you take this as a compliment, yeah? You have to take this as a compliment. I signed Dabbu for Tumko Na Bhul Payenge. There was two songs that he did. Sannu comes home. I thought he's come to tell me ke, thanks man, he needed work and thank you. You know, brothers. Ulta hi nikla yaar. What? He said, usko kya kul gaya? Huh? I am the music guy yaar. I give superb music. I said, ye kya ho gaya yaar? I said, tera chota bhai Annu. He said, haan, theek hai, I love him. But music, I am better. Hey. You take me for the songs. I'm the head of the family. Take me for the songs. Kahan hai? Annu aaye? Aapke uncle? Nahi aaye? They must be hosting. Must be busy. Must be hosting something. Otherwise, he would not miss it. इन्होंने मुझे 6-7 गाने सुनाए। और कौन से दो गाने? इसलिए ये दो गाने जो अच्छे नहीं थे, अब हमने यूनिवर्सल को दे दिए हैं। कैसे वो सुना दो, तो वो सुना। And I really like those songs. तो ऐसे ये किसको दिए? ऐसे यूनिवर्सल को दिए हमने। तो ऐसे I want these songs. They said now it will be difficult. तो ऐसे now force them to get back the songs. So I said do not mention my name. Mr. Amal there, being a smart, has gone and told these guys that you know Salman wants it for his film. So I said, hey, you crazy, there's no way they're going to give it now. They'll want the songs. Lamba choda discussion hua. Let these two songs come in Jai Ho. Give them a song. In half an hour later, the gana ready hai. I said, you have time, le yaar. I said, what is this rubbish? I said, your father takes 4 years to make this song. Haan, abhi tak gana hua hai, bindiya chamke complete nahi hua hai. Father ka gana. Father ki energy level thodi si dheeli hai. Father, music, bhaji. Ro rahe hai piche. Ek aur specialty hai, music se achha ye back massage dete hai. Seriously, ask his wife. It's damn good. Wow. And his brother has got this knack, Annu, has got this knack of as soon as you meet him, he's a gana sun. And he uses your back as a tabla. वैसे इस मस्ती के अलावा इस एल्बम लॉन्च पर सलमान ने न्यूबी अरमान की जमकर तारीफ भी की। Both these boys are geniuses, really, really amazing. And I hope they will continue to have this enthusiasm and they go a long way. Because the music is good, they've got the right chords, they've got the right notes, they've got the right feel. And God bless them both. सबके लिए जगह दिल में हो।
जय 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 हो जय हो जय 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 हो जय हो. सो ही इज होपिंग कि सलमान की आने वाली किक और अरमान का डेब्यू एल्बम दोनों ही ऑडियंस को पसंद आए. विशिंग देम गुड लक. हैव यू इरेज्ड करीना कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा फ्रॉम योर मेमोरी? करण जौहर ने टच किया शाहिद की एक्सेस का टॉपिक. That's not possible. That's a very romantic gajni situation. They're very big stars. No, they're really big stars in there in the papers every day. So you can't erase them out of your memory. But I do have a bad memory. और साथ ही रणबीर और कटरीना की वीजा पिक्चर्स को भी फिर से करण लाए इन द लाइमलाइट. We never saw any images of yours for Vivita. What were you doing? Why now? Or did you click that image? Please, I went way after that image. I think you went on top of that hill and clicked that image. Well, कुछ ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर शाहिद और सोनाक्षी ने खुलकर बात की जब ये दोनों आए थे करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में. तो चलिए आपको दिखाते हैं इस इंटरव्यू की कुछ हाइलाइट्स. Have you erased Kareena Kapoor and Priyanka Chopra from your memory? That's not possible. That's a very romantic gajni situation. They're very big stars. No, they're really big stars in there in the papers every day. So you can't erase them out of your memory. But I do have a bad memory. So yeah, most things of the past are forgotten. You were a very committed boyfriend to both the relationships. That was true. I have always been a committed boyfriend, yes. Yes. And that's why now I kind of run away from commitment. I had a very curvy career. Yes. Unlike yours. Which is... But she has a curvy body. Huh? She has a curvy body. I'm sitting with two beautiful curvy people right now at Coffee with Karan. And I can assure everybody out there that... Listen... It's the most beautiful thing. I'll mess up your hair. Itna sukoon milta hai. This is... I want to know if this is a love kind of a sukoon or a maternal one. Hey, paal mat kharab. See? Touch his hair. And he will run. Get out of the single screen. Isko pehli baar. We're still in that mode. No, it was a few days. This is a multiplex kind of show. You all have performed exceedingly well. This is not that kind of show. This is a very classy show. She bhool jati hai kaun se hero ke saath kaam kar rahi hai. She forgets. Who was it today? Who's in that film? Okay. But you know, Hemaji once told me that, which is a great comparison. She used to reach the set in the 70s and say, what is it? Who's the film? Who's the hero? What is it? Happy, sad, song? And they should tell her it was either happy, sad. So everyone says you spend a lot of time in Goa in this hotel. You keep taking off for these dirty weekends. With my trainer. With your trainer, yeah. And you are having a dirty weekend. No, we're not having a dirty weekend. You asked me whether I was and I never said I'm having a dirty weekend in Goa. How many times have you experienced just that one burst of casual sex? No words to express my feelings. Can't you see me? You're up. I'm like a 41-year-old uncle. So what? I'm 32. Just age difference doesn't mean our situations are different. You're going through your shit, I'm going through mine, man. We never saw any image of yours for Vivita. What were you doing? Boy now. Or did you click that image? Please, I went way after that image. I think you went on top of that hill and clicked that image. It was actually you. मेरे को और तन काम नहीं है लाइफ के अंदर पिज़्ज़ा जाके मैं दूसरे की फोटो खींचूं. You said you were unemployed, huh? But before that, Sonakshi tells me you describe her laughter very well. And all she did was laugh in the last segment. I would love to get your take on her laughter. Sonakshi Sinha after she finishes a shot. Oh, hey! Your first celebrity crush? Raveena Tandon in Tip Tip Barsa Pani and Kimi Katkar in Tarzan. Shahid Kapoor's most irritating habit as a co-star? I'm an Indian film actor, producer and martial artist and I started Akshay Kumar. Correct. Akshay Kumar bhi nahi mila tere ko. Matlab boss ko bhi bhul gayi tu. Sonakshi, you have not seen Sholay? No. I'm very embarrassed but I haven't. Right. And I also think there's a lot more Sonakshi Sinha can be than just a housewife. On that Kareena Kapoor parting note, I have to say it was absolutely amazing. Congratulations on your recent success. Thank and you. More power to you. Thank you. I'm going to ask you a question.
देखा आपने, हबी अनुराग से जुड़ा सवाल सुनते ही आजकल कल्की को सुनना बंद हो जाता है। क्या कह सकता है, रावण आपके बीच में तलवार खत्म हो चुकी है। कुछ सुना नहीं, आपने कुछ सुना? सबने सुना। चाहे सवाल कल्की और अनुराग के सेपरेशन और कल्की का अनुराग के घर से मूव आउट करने को लेकर ही हो। क्या कहेंगे, पर मैं कुछ भी नहीं करूंगी। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट माय पर्सनल लाइफ। आई कांट टॉक अबाउट। या फिर सवाल हो उनके बीच कम होती दूरियों से जुड़ा, कल्की जवाब ना देने और अनसुना करने में माहिर हो गई हैं। व्हाट्स द स्टेटस बिटवीन यू एंड अनुराग? आर यू, मतलब पूरी तलवार खत्म हो चुकी है? वेल, रिसेंटली हेल्ड एक फैशन इवेंट पर किसी रिपोर्टर ने उनके और अनुराग के बीच प्रेजेंट स्टेटस को लेकर सवाल कर दिया। सवाल वाजिब था क्योंकि पिछले दिनों अनुराग कल्की का एक प्ले देखने के लिए आए थे और खुद कल्की भी अपने और अनुराग के बीच दूरियां लाने वाली हुमा कुरैशी के साथ एक इवेंट पर नजर आई थी। तो ऐसे में सबको लगने लगा था कि कल्की और अनुराग के बीच धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन एक इंग्लिश डेली में छपी कल्की के अनुराग के घर से मूव आउट करने की इस खबर ने और इस इवेंट पर कल्की की चुप्पी ने सबको एक बार फिर स्पेकुलेशंस करने पर मजबूर कर दिया है कि अभी इनके बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। खैर, हमें उम्मीद है कि कल्की जल्द ही इस कंफ्यूजन को दूर करेंगी। वैसे हम आपको बता दें कि एक पिंक लेसी ड्रेस में कल्की यहां आई थी मैक्स फैशन आइकॉन के अनाउंसमेंट इवेंट पर, जहां कल्की ने खुद को फैशनेबल मानने से इनकार कर दिया। It's a pleasure to sort of be considered a fashion icon in the first place. I don't know if I am a fashion icon, but I hope that my personality comes out through my clothes. वैसे कल्की खुद को भले ही फैशनेबल ना मानती हो, लेकिन बॉलीवुड में उनके फेवरेट स्टाइलिश स्टार्स की लिस्ट है उनके पास। One person that has a great sense of fashion is Sonam Kapoor. Deepika Padukone again is somebody who has a great sense of fashion. Male, of course, the first that comes to mind is Abhay Deol for me. So कुछ ऐसा रहा ये pageant announcement event, जहाँ कल्की एक बार dodge करती देखी अपने और अनुराग से जुड़े सवालों को। Long time no see, Sushmita Sen recently नजर आई एक book launch पर। ऑथर श्रद्धा सोनी की बुक टाइटल्ड आई एम लाइफ, जिसके बारे में सुश ने कुछ यूं बताया। आई एम लाइफ इज द स्टोरी ऑफ द पर्पस ऑफ द सोल वर्सेस द टेम्पटेशंस ऑफ द ईगो। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। टेम्पटेशंस आर टेम्पररी, बट द पर्पस ऑफ द सोल व्हेन इट कम्स टू योर सोल इज अलाइव फॉरएवर। एंड इफ यू लेट योर लाइफ And as usual, Sush seemed to be in a super happy mood. Thank you. Well, to ye rahi Sushmita Sen at a book launch. है द इंडियन डर्बी ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी, जिसके गेस्ट ऑफ ऑनर बने रणदीप हुडा। और यहाँ इस डर्बी इवेंट पर रणदीप ने बताया अ लिटिल ऑन हिज फेवरेट हॉर्सेस। विल सपोर्ट यू दिस पॉइंट। दैट वाज सिंपली सुप्रीम बाय द वे। अ लॉट ऑफ रेसिंग पीपल वुड नो दैट हॉर्स सिंपली सुप्रीम। ही इज 15, ही स्टिल जंप्स आउट ऑफ हिज स्किन एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हिम। ही केम सेकंड इन द डर्बी but won the invitation cup and I'm quite proud to have it. That's my connection with the Derby. The Highway releases on 21st of Feb, which is directed by Imtiaz Ali, and it's a great film, and then many more to come. Yeah, you can go watch it and enjoy it. Well, to ye rahe Randeep Hooda at this trophy unveiling. Good luck to him for Highway. That's all that's making news for now. Aapko hamara ye show kaisa lagta hai ye aap hame bata sakte hain SMS karke Zing Space feedback to 57575 aur hame email kar sakte hain zing@znetwork.com. That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.